हैवानियत का एक और नज़ारा। भिवाड़ी स्थित हरिराम हॉस्पिटल में एक जिंदा बच्ची को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित दिखाया। जब परिजन उस नवजात बच्ची को शमशान ले गए दफनाने के लिए, तब उस बच्ची की सांसें चल रही थी। यही बच्ची अगर किसी बड़े घर की होती, अब तक बहुत बड़ा एक्शन लिया जा चुका होता। शमशान से गाँव के कुछ मौजूद लोगों को फ़ोन किया गया, लेकिन कोई समय पर नहीं पहुँचा। भला विश्वास यादव का उर्फ विशु मुकदम का, जो एक मासूम बच्ची उसके परिजनों सहित अस्पताल में बच्ची को दाखिल करने ले गए, वहाँ डॉक्टर को खूब खरी खोटी सुनाई। अभी कार्रवाई जारी है। आप सभी से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस घटिया अस्पताल को जल्द से जल्द बंद किया जाए। इन सभी डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द किया जाए। ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा। पहले गुड़िया को बचाओ, अब भी सांस ले रही है, कैसे मृत घोषित लिख दिया आपने इसमें, ये बताओ मेरे को। अरे बात क्या करेगा यार भाई तू, पहले इसको क्या बात करोगे आप ये बताओ, इसका इलाज कर। आपके डॉक्टर साहब को बुला लो, आप बुलाओ भाई, इसको एडमिट कर लो। फिर अगर एडमिट नहीं, आपने लिख के दिया ना, हाथ में ये तो दफनाने चले गए थे भाई, वो तो मैंने देख लिया, सांस दिख गया। मैं वो नहीं कह रहा, देखो अभी। अरे तू तेरी ना देखूं मैं भाई, इसको एडमिट करो। मतलब बाबा और अरे भाई साहब यहीं तो गए हैं, कहाँ है बताओ, तो यहाँ पे नहीं होगा, कहाँ भेजते हैं? हॉस्पिटल पे लोग लगेगा लिख के, आपने लिख के दे रखा है ना कि मृत घोषित कर रखा है आपने, ये गलत है। लिख के दे रखा है आपने, आपकी स्टेटमेंट है कि ये गलत मृत घोषित आपने किया है। तो डॉक्टर साहब आपने मृत, जब तक सांस है जब तक कहाँ से, पूरा हिंदुस्तान कहता है इस बात को, तो आपने मृत घोषित करने का इसका आपने स्टेटमेंट आपकी है, बताओ। तो आपने ये नहीं कहना था ना ये मर चुकी है या कुछ भी, अपने पास रखो है कुछ ना कुछ, तो आपने करना ट्रीटमेंट, ये बताओ आप मेरे को। कहाँ एडमिट को आपने लिख रहे थे, वो कहाँ कागज, वो रुको अभी आपको बताते हैं हम। रुको, हाँ पढ़े लिखो है, बीबीएल कर रखे हैं आपने, ये तो बताओ। समझान घाट में जब देख के सांस ले रही है, जब बोल रहा हूँ मैं, बताओ आपके सामने जिंदा है, अरे ना है तो कहिए जिंदा, चल ठीक है, आपको इसको बचाना है ना। हाँ इनसे मैडम की कोई बात भी होगी, ऐसा थोड़ी है। अरे यार, अरे डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, डॉक्टर से बात करवाने में नहीं, सीधा सर यही बात कर रहे हैं सर, डॉक्टर की देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या करें क्या करें बताओ ना। लो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये आपकी ये सिलपरी पढ़ो, ये मृत घोषित कर रखा है, मर चुके हैं, इसको हमारे पास से ले जाओ, ये आपके डॉक्टर साहब ने लिख के दिया, आपके डॉक्टर साहब की मेहर रही, ये आपके पूरे हॉस्पिटल की स्लिप रही, ये वो देखो लो। आप देख लो, इनमें आपके सभी डॉक्टर हैं। अरे तो हम ठीक है मान रहे हैं ये सब चीज, आप ये बताओ इन्होंने भी तो इस टाइम साइन कर रखे हैं। अरे तो इनके लिए बता दो, अरे तो हम इसको ले रहे हैं, काम ना कर लो, एडमिट कर रहे हो नहीं कर रहे हो बच्ची को, बच्चों मैं तो हॉस्पिटल दूसरे में एडमिट करवा दूं, दूसरे में होगा तो बालकनाथ जी का फोन आएगा कल ही आपके हॉस्पिटल में, बयान करवाता हूं भैया, हम कुछ नहीं कर रहे, देखो इस बारे में पूरी वीडियो बना लियो, पूरा सिस्टम पूरा लिख के ले पूरो, जो जो मना कर रहे हैं ना एडमिट नहीं, हाँ ना एडमिट हो ना कुछ, ये कह रहा है आप गलती कर रहे हो, आपने लिख के क्यों दिया ये मर चुका है, ये बताओ आप मेरे को। तो यहां बच्चों एडमिट कर रहे हैं ना, हां फिर केयर नहीं कर सकते आप भाई, यहाँ बच्चों के एडमिट केयर हो सकती है यहाँ पे, नहीं हो सकती तुरंत, हम तो बच्चों वाले हॉस्पिटल में भेजते हैं। अरे भाई बच्चों वाले हॉस्पिटल में भेज सकते हो तो आप बच्चों वाले हॉस्पिटल में भेज देना, आपने मृत घोषित कैसे लिख दिया, आपने तो इसमें ये लिखा है बच्ची मर चुकी है इसको ले जाओ, और आपके लिखा हुआ पढ़ वो है बच्ची बच रही नहीं, मैडम की कोई बात नहीं होगी, तभी इन्होंने साइन किए हैं, इन्होंने तब साइन किए हैं। मैडम मैं उनको बता, मैं डॉक्टर का नाम क्या है, अनवी कमल सर, भाभी बुलाऊं, ये आपके लिखे थे, हमारे तो है नहीं, हमने तो लिख के नहीं रखा है। अरे डॉक्टर साहब जब तक सांस है जब तक कहाँ से हिंदुस्तान कहता है, आपने तो ये पहले मार दी जिंदा जी, बताओ कर ले भाई, वीडियो ने बंद कर दिया।